हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास LG की इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव 10 kg वॉशिंग मशीन है टॉप लोड में। तो हम पावर ऑन करके इसको स्पिन मोड पे लगाएंगे। तो इसकी मोटर घूम रही है। डोर लगने की कोशिश कर रहा है लेकिन डोर लॉक नहीं हो रहा और डोर लॉक का एरर आ गया DL। तो हम इसको आज रिपेयर करेंगे। इसकी पावर हमने निकाल दी है। यहाँ पे अंदर देख रहे हैं ये डोर लॉक है और जहाँ पे ये रीड स्विच है जो DE का एरर आएगा जेकर ये रीड स्विच खराब है, लेकिन इसका ये डोर लॉक खराब है। तो इसको हम खोल के चेक करेंगे और इसको ठीक करेंगे। कैसे ठीक करना है तो बने रहिए वीडियो के साथ। इसका कनेक्टर पहले निकाल देंगे। तो ये इसका डोर लॉक है और इसमें ये कनेक्टर है इसका, इसमें 4 वायर हैं, 2 लॉक के लिए और 2 फीडबैक के लिए। तो हम चेक करेंगे इस लॉक को खोल के। तो इस डोर लॉक को हम खोलेंगे। तो ये इसका डोर लॉक का लीवर है। ये जब डोर लगेगा तो ये लीवर बाहर आएगा और जब डोर खुलेगा तो लीवर ये अंदर चला जाएगा। तो इसको मैनुअल खोलने के लिए ये एक डोरी दी होती है लेकिन ये बंद की होती है। तो इसको मैनुअल खोलना या बंद करना तो इस डोरी से कर सकते हैं। और जहाँ पे ये सोलेनाइड कॉयल है और इस कॉयल के द्वारा मैग्नेट बनता है जब इसको 16 वोल्ट मिलते हैं, तो ये कॉयल 16 वोल्ट की है, DC 16 वोल्ट। जब इसको 16 वोल्ट या 15 वोल्ट मिलेंगे DC तो जिसमें मैग्नेट बनेगा और ये लीवर बाहर चला जाएगा। दोबारा जब खोलने का टाइम आएगा तो ये फिर मैग्नेट बनेगा और ये लीवर अंदर चला जाएगा। और अभी कंडीशन में हो क्या रहा है, ये लॉक तो हो रहा है और फिर दोबारा खुल भी रहा है लेकिन मशीन को पता नहीं चल रहा कि डोर लॉक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसको पता करने के लिए यहाँ पे एक लिमिट स्विच दी गई है, ये छोटी सी लिमिट स्विच है। तो ये कनेक्टर के बीच में 4 वायर है, 4 में से 2 ये ब्लू वायर हैं जो इस फीडबैक के लिए है। ये लिमिट मतलब जब डोर लगेगा तब भी ये स्विच काम करेगी, जब हम डोर को लगाएंगे तब ये खुल गई स्विच। यहाँ पे देखिए ये लीवर इसको खोल देगा, जब डोर लगेगा तो लीवर इसको दबा देगा। कैसे पता चलता है, इस लिमिट स्विच में 3 पॉइंट हैं, जहाँ पे ये पहला पॉइंट है ये कॉमन है और ये बीच वाला पॉइंट है नॉर्मल ओपन है और ये साइड वाला राइट साइड ये है ये नॉर्मल क्लोज है। जब ये डोर लॉक होगा और ये दोनों पॉइंट जुड़ जाते हैं, कॉमन और नॉर्मल ओपन, ये दोनों पॉइंट जुड़ जाते हैं और जब ये लॉक खुलेगा तो ये दोनों पॉइंट ओपन हो जाते हैं। तो ऐसे जब डोर लॉक होगा तो ये यहाँ से जो वोल्ट आएंगे वो घूम के मशीन की PCB को जाएंगे और मशीन की PCB को पता चल जाएगा कि डोर लॉक हो गया। तो ये डोर लॉक डोर को 5 बार लॉक करने की कोशिश करता है लेकिन बार बार खुल जाता है।
क्योंकि ये लिमिट स्विच बता नहीं रही पीसीबी को कि डोर लॉक हुआ है या नहीं हुआ। तो हम लिमिट स्विच मिल जाए मार्केट में तो हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इसको खोल के हम रिपेयर भी कर सकते हैं। तो इसको हम रिपेयर करेंगे, तो इसको रिपेयर करने से पहले हम एक बार चेक करेंगे मल्टीमीटर से। मीटर को हम बीप की पोजीशन में रखेंगे। तो ये दोनों पॉइंट पे हम लगा रहे हैं और स्विच को दबा रहे हैं। स्विच का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, तो ये इसके पॉइंट काम नहीं कर रहे, तो इसको हम खोल के रिपेयर कर लेंगे। तो ये पानी के प्रभाव से जहाँ पे कार्बन ऑक्साइड आ गया है, तो इसको हम साफ कर देंगे। जेकर ये स्विच नहीं मिल गया तो नहीं डाल सकते हैं। जिसका वर्किंग पॉइंट साफ है और जहाँ पे ये कनेक्टिविटी होनी चाहिए कॉमन और इस पत्ती के बीच में, तो यहाँ पे प्रॉब्लम थी ये हमने साफ कर दी है। इसको हम फिर चेक कर लेंगे एक बार मीटर पे। तो ये अभी स्विच काम कर रही है। इसको हम फिट कर देंगे। तो ये डोर लॉक रेडी हो गया, तो हम इसको मशीन में फिट करके दोबारा चेक करेंगे। ये हमने फिट कर लिया है, अभी हम चेक करेंगे। तो जो लीवर है इसके अंदर से निकलेगा और यहाँ पे अटकेगा, तो हम इसको पावर बटन दबाएंगे और स्पिन मोड पे लगाते हैं। पहले अटेम्प्ट में डोर लॉक हो गया और डोर लॉक्ड का सिंबल भी आ गया। तो इस तरह आप डोर लॉक रिपेयर कर सकते हैं। जेकर डोर लॉक नया ना अवेलेबल हो तो इस तरीके से आप डोर लॉक को रिपेयर करके लगा सकते हो और मशीन चालू हो जाएगी। जेकर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।